हेलो विद्यार्थी मित्रों, धोरण नौ हिंदी हिंदीनी आज आप पहली शुरुआत करिए। तो आज आप पहली कविता आराधना विषे समझिए। आराधना एटले के प्रार्थना। आ आराधना कविता है ते कोना द्वारा लखवामां आवी? तेना कविनुं नाम शुं छे? तो के वसंत बापट। वसंत बापटनो जन्म सन 1922 में थयो हतो अने मृत्यु 2002 में थयो हतो। आ जे कविता छे आराधना ते सौथी पहला वसंत बापट द्वारा मराठी भाषा में लखवामां आवी हती। त्यार पछी तेनो अनुवाद हिंदी भाषा में थयो, एटले के आ ट्रांसलेशन कविता छे एवुं आपणे कही शकीए, बराबर। तो पहला आपणे थोड़ू कवि विषे जोई लईए। वसंत बापट जे छे ते नामी कवि छे। तेमनो जन्म महाराष्ट्रना सताड़ा जिल्लाने कड़ाड नामक गाँव में थयो हतो। पूना तेमनी कर्मभूमि छे। राष्ट्र सेवा में तेओ घणा आगळ पड़ता रह्या छे। व्यवसाय में तेओ प्राध्यापक छे अने तेओए पोतानी काव्य में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण, मानवीय संवेदनाओ बतावी छे। तेमनी कविता में तेओ मानवता अने बंधुता प्रत्ये प्रेम ए साची पूंजा छे। मनुष्यनी अंदर आपस में भेदभाव समाप्त थाय, लोगों में लोभ अने वैरभाव न रहे, तेमज बधा एक बीजा साथे प्रेम करे, एक बीजानी साथे सहयोगनी भावना बतावे, एक बीजाना दुख ने महसूस करे, आ प्रकारनी कविताओ तेमणे लखी छे। एमनी आ कविता में तेमणे सत्य, शिव अने सुंदर एवी विश्व बंधुत्वनी भावना व्यक्त करी छे। हवे एमनी कविता में शू छे, आ प्रार्थना जे छे तेनी अंदर शू बतावियु छे एमणे, तो ते आपणे जोई लईए। प्रस्तुत प्रार्थना में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभावों को दूर करना, वैर भाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुदित है। मैं तमने पहला ज कही चुकी कि आ प्रार्थना मराठी अंदर लखवामां आवी हती, तेनो हिंदी नी अंदर अनुवाद करवामां आव्यो छे। तो आ प्रार्थना नी अंदर तेओ शुं चाहता हता ते पण कही चूकेली छूं मैं तमने, कि तेओ मानवता अने बंधुत्व विषे प्रेमनी साची पूजा चाहता हता, मनुष्य वच्चे भेदभाव नी रहे एवुं तेओ चाहता हता, तेमज दरेक लोग सब अच्छे लोग कार्य और सच्चाई का व्यवहार करे, એટલે કે એકબીજાની સાથે દરેક કામમાં સચ્ચાઈની રીતે ચાલે, તેઓ બધાના અંદર સુંદર અને વિચાર કલ્યાણકારી હોય, દરેકના વિશે તેમના વિચારો કેવા હોવા જોઈએ, કલ્યાણકારી હોવા જોઈએ। જે સુખી લોકો છે તેઓ દીન દુખિયાઓ એટલે કે ગરીબ લોકો છે તેની પીડા તેમના દુઃખને સમજે અને તેને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરે તેવું તે લોકો ચાહતા હતા। લોકો જે છે તે સુરવીર અને ઢીળ બને અને દુર્બલો એટલે કે જે દુઃખી લોકો છે તેઓની રક્ષા કરે, મતલબ કે જેઓ કમજોર છે, દુર્બલ એટલે કે કમજોર, જેવા કમજોર લોકો છે તેની રક્ષા કરે એવું તેઓ ચાહતા હતા। તેઓ માનવતાના અંદર જે ભેદભાવ છે તે ભૂલીને વ્યવહાર કરવાનું કહેતા હતા। સંસારમાં દરેક જગ્યાએ ભાઈચારાની ભાવનાનો પ્રસાર થાય તેવું તેઓ ચાહતા હતા, બરાબર। તો આ આપણે કવિતાનો સાર જોઈ લીધો છે। હવે આપણે કવિતા વાંચતા જઈને સમજીએ એક એક પંક્તિના હિસાબે, બરાબર। ચાલો, દેહ મંદિર ચિત્ત મંદિર એક હી હે પ્રાર્થના, સત્ય सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। जो आनु मैं तमने थोड़ू पहला हिंदी में कहूँ,
पछी तेने पाछे गुजराती में पण तमने समझावी रहूं छूं। बराबर, पहला तो आपणे जे आपणे एक पंक्ति वाँची तेना शब्द जोई लईए। देह मंदिर, देह मंदिर एटले शुं? शरीर रूपी मंदिर। चित्त मंदिर, मन रूपी मंदिर। प्रार्थना, प्रार्थना एटले शुं? आपणे दुआ करीए ते, भक्ति करीए ते, निवेदन करवो, बराबर, श्रद्धापूर्वक भगवान के अल्लाह पासे कंईक मांगणी करवी। बराबर, मांगल्य, मांगल्य एटले कल्याण की भावना, मंगलकारी थाय, आपणुं कार्य सफल रीते पूर्ण थाय तेवी भावना आपणा दिलनी अंदर आपणे राखीए ने। आपणे अल्लाह पासे कंईक मांगीए, दुआ करीए कि मने आ अल्लाह पाक मेळवी देव, तो आपणे आपणा દિલની અંદર તેના ઉપર વિશ્વાસ રાખેલો હોય તો તે કાર્ય પૂરું થાય। બરાબર, તો તેવી જ રીતે માંગલ્ય એટલે કે કલ્યાણ કી ભાવના, નિત્ય, નિત્ય એટલે કે હંમેશા, આરાધના એટલે કે પૂજા। તમને શબ્દોના અર્થ તો સમજી ગયા, હવે હું તમને એને થોડું હિન્દીમાં પહેલાં કહું, પછી તેનું ગુજરાતી કરીને ફરી સમજાવીશ। આ જે પંક્તિ છે તેની અંદર કવિ કહેતે હે कि मेरी यही प्रार्थना है कि शरीर और मन से सत्य, शिव और सुंदर की आराधना हो, लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, उनके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे की हित की बात सोचे। चलो तो आपणे एने पाछा गुजरातीनी अंदर समझी लईए। देह मंदिर, चित्त मंदिर, एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। कवि आ पंक्ति में कहे छे कि मारी आराधना एटले के पूजा, प्रार्थना, तो मारी आज प्रार्थना छे कि शरीर अने मन नी सत्य, शिव, सुंदर नी आराधना थाय एटले के पूजा થાય, લોકો સત્યના માર્ગે ચાલે, લોકો સત્યના માર્ગે ચાલે, તેમના મનમાં સુંદર વિચારો આવે અને સૌ એકબીજાના હિતનો વિચાર કરે। આ તમારી પહેલી પંક્તિ છે। બીજી પંક્તિ, દુખિયાળો કા દુઃખ જાય હે જાય હે યહી મન કામના, વેદના કો પડખ पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षार्थ पौरुष की साधना। दुख, दुखियाड़ा एटले आपणने खबर छे जे दुखी लोको होय तेवा, दुख ते पण आपणने खबर छे। मन कामना एटले के मननी कामना, ते लोकोना मननी इच्छा। वेदना, वेदना एटले के पीरा, दुख। पड़ख, पड़ख एटले के पहचान। संवेदना एटले के सहानुभूति। दुर्बलो एटले के कमजोर। रक्षणार्थ, रक्षा के लिए। पौरुष, पौरुष एटले के मर्दानगी, शक्ति अने साहस। बराबर, तो पहला आपणे एने हिंदी में जोई लईए, समझी लईए। कवि प्रार्थना करते हैं कि दुखी लोगों को दुख से छुटकारा मिले। जो दुखियारों का दुख जाए, दुखी लोगों को दुख से छुटकारा मिले, मिले और लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें। वेदना, पीड़ा, लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें। दुर्बलों की रक्षा करें, रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग करें। दुर्बलों के रक्षार्थ पौरुष की साधना, એટલે કે દુર્બલોં કી રક્ષા કે લિયે શક્તિ ઓર સાહસ કા ઉપયોગ હો। ચાલ આપણે એને ગુજરાતીમાં પણ સમજી લઈએ। આ જે પંક્તિ છે તેમાં કવિ પ્રાર્થના કરે છે કે દુઃખી લોકોને દુઃખમાંથી છુટકારો મળે। પહેલી લીટી આપણે, દુખિયાળો કા દુઃખ જાય હે યહી મન કામના, એટલે કે કવિની પ્રાર્થના છે, કવિની મન કામના છે કે દુઃખી લોકોના દુઃખમાંથી છુટકારો મળે। લો વેદના કો પડખ પાને જગાએ સંવેદના, એટલે કે લોક, એટલે કે અને લોકો એકબીજાની પીડાનો, સંવેદના એટલે કે સહાનુભૂતિ મળે, અનુભવ કરે।
दुर्बलों के रक्षार्थ पौरुष की साधना। दुर्बलों एटले के कमजोर, कमजोर नी रक्षा माटे ज शक्ति अने साहसनो उपयोग थाय। त्रीजी पंक्ति पर आपणे जईए। जीवन में नवतेज हो, जीवन में नवतेज हो, अतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। चलो, नवतेज इतले के नई चमक, अतरंग इतले के अंतःकरण अथवा तो पछी हृदय, पहला अघरा शब्द जोई लेता छे बराबर। उपासना इतले के भक्ति, शौर्य इतले के सुरत्या बहादुरी, धैर्य इतले के धीरज, अभ्यर्थना इतले के प्रार्थना। चलो आपणे एने पहला हिंदी में जोई लईए। जीवन में नवतेज हो, सबके जीवन में नया प्रकाश हो, अतरंग में भावना, सबके हृदय में सुंदर भावनाएं हो, अतरंग इतले के हृदय, सबके हृदय में सुंदर भावनाएं हो, सुंदरता की आस हो, सबके मन में सुंदर आशाएं हो, मानवता की हो उपासना और सब मानवता की पूजा करे, शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही अभ्यर्थना, और धैर्य प्राप्त करे, यही सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करे, यही प्रार्थना है। चलो हवे एने गुजराती में समझी लीए। जीवन में नवतेज हो, एटले के सौना जीवन में नवो प्रकाश फैलाय, अतरंग में भावना, सौना हृदय में सुंदर भावनाओ होय, सुंदरता की आस हो, एटले के सौना मन में सुंदर आशाओ होय, मानवता की हो उपासना अने सौ मानवतानी पूजा करे, शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही अभ्यर्थना, दरेक लोको शौर्य एटले के सुरवीरता, धैर्य एटले के धीरज प्राप्त करे एवी ज प्रार्थना छे। हवे आपणी छेल्ली पंक्ति पर आपणे आवी गया छे। भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। अस्त इतले के नस्त, समाप्त, वैर इतले के दुश्मनी, वासना इतले के इच्छा, मुक्त इतले के आजाद, बंधुता इतले के भाईचारा, कामना इतले के इच्छा। चलो, कवि की इच्छा है कि मनुष्य मनुष्य के बीच में सारे भेदभाव समाप्त हो जाए, भेद सभी अस्त होवे। इतले के कवि की इच्छा है कि मनुष्य मनुष्य के बीच में सारे भेदभाव समाप्त हो जाए, वैर और वासना इतले के किसी की किसी से दुश्मनी न हो, मानवता मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, और लोगों की बुराई इच्छाएं नष्ट होए, आपणे पहली लीटी में जोई लीधुं। हवे बीजू, सभी मनुष्य एकता का अनुभव करे, सभी मनुष्य एकता का अनुभव करे, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना, हम स्वतंत्रता हो लेकिन बंधुता की कामना करते हैं, बंधुता एटले के भाईचारा की इच्छा, भाईचारा की कामना करते हैं। हवे एने गुजराती में समझी लईए, कदाच तमने हिंदी में समझ न आवतो तो गुजराती अंदर तो आवी ज जशे। चलो,
भेद सभी अस्त होवे। कविनी इच्छा छे, जो अहींया कामना छेल्ले आपेलू छे के कविनी इच्छा छे के मनुष्य मनुष्य वच्चेना बधा भेदभाव, भेद पहेलो जे शब्द छे भेद सभी अस्त होवे एटले के बधा ज भेदभाव दूर थई जाय। वेर ओर वासना, वेरनो आपणे शुं अर्थ जोयो, दुश्मनी, वासना एटले के इच्छा, बराबर। तो कविनी इच्छा छे के मनुष्य मनुष्य वच्चेना बधा ज भेदभाव दूर थई जाए। कोई नी कोई साथे दुश्मनावत न होय। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना अने लोकोनी खराब भावनाओ नष्ट थई जाए। शुं थई जाए? नष्ट थई जाए। सौ मनुष्य एकतानो अनुभव करे। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। सौ मनुष्य एकतानो अनुभव करे, ए आपणे जोई गया। आपणे स्वतंत्रता अने भाईचाराની कामना करीए छे। फरी एक वार बोली जाऊं छूं, कविनी इच्छा छे के मनुष्य मनुष्य वच्चेना बधा भेदभाव दूर थई जाए। કોઈની કોઈ સાથે દુશ્મનાવત ન હોય અને લોકોની ખરાબ ભાવનાઓ નષ્ટ થઈ જાય। સૌ મનુષ્ય એકતાનો અનુભવ કરે। આપણે સ્વતંત્રતા અને ભાઈચારાની કામના કરીએ છીએ। આપણી પહેલી કવિતા આરાધના પૂર્ણ થઈ ગઈ છે। હવે તમારા હોમવર્કમાં તમને જે શબ્દાર્થ છે તે લખવાના છે અને સ્વાધ્યાયમાં જે પ્રશ્નો આપેલા છે તે તમારે લખવાના રહેશે।